हरिओम, मैं योगाचार्य राकेश बलूनी आपका अपने योग सम चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी लोअर बॉडी के बारे में कि हम लोअर बॉडी को कैसे फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, और उसके हमने आपको काफ़ी सारे आसन भी बताए थे जिसको करने से आपके लेग काफ़ी फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। तो आपने वो आसन जरूर किए होंगे और वीडियो जरूर देखी होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं बटरफ्लाई तितली आसन के बारे में। तितली आसन बहुत ही लाभकारी आसन होता है, इसको कोई भी कर सकता है और इसको करने से बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। तो आज हम सबसे पहले आपको बटरफ्लाई तितली आसन के बारे में बताएंगे कि तितली आसन को कैसे करते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। आपको अपने दोनों पैरों को करना है सीधा, सबसे पहले सामने, उसके बाद अपने कमर गर्दन को सीधा रखना है और दोनों हाथों को अपने थाइस के बगल में रखना है। इसके बाद आपको सबसे पहले अपने राइट लेग को बेंड करना है और फिर धीरे से आपको अपने लेफ्ट लेग को बेंड करना है और दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिला देना है। उसके बाद आपको अपने जो लेग है उनको थोड़ा सा उठा के और अपने जांघों के क्लोज लेके जाना है, और उसके बाद आपको अपने दोनों हैंड्स को मिलाते हुए फिंगर्स को इंटरलॉक करना है और अपने टोस को ग्रिप करना है। फिर आपको अपने नेक पैक को धीरे से सीधा करना है और चेस्ट को आउट लेके जाना है। इसके बाद धीरे से आप अपने नीज को अप एंड डाउन लेके जाएंगे। 1 में आप टू डाउन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ऐसे आप काउंटिंग के साथ अपने नीज को अप एंड डाउन लेके जाएंगे। और अगर आप इसको धीरे धीरे करते हैं तो आप इसको श्वास प्रश्वास के साथ भी कर सकते हैं। तो श्वास लेते हो आपको अप लेके आना है नीज को, श्वास छोड़ते हुए डाउन लेके जाना है, श्वास लेते हुए अप लेके आना है और श्वास छोड़ते हुए डाउन लेके जाना है। तो फिर आप जैसे जैसे बटरफ्लाइज को फास्ट करते जाएंगे तो आप इनको कम से कम 2 या 3 मिनट तक कंटिन्यू ऐसे कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं बटरफ्लाइज को फास्ट। तो आज हम अब इसके बारे में बताएंगे कि इसके कौन से बेनिफिट्स हैं। तो ये सबसे पहले जो बटरफ्लाई पोज है ये आपके लेग को काफी फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। इसको आपके लेग फ्लेक्सिबल तो होते ही होते हैं, साथ साथ में जो आपके लेग में नॉर्मल पेन होता है वो भी ठीक होता है। और जब हम एडवांस आसन करते हैं, कोई भी लेग स्ट्रेचिंग के अनुमान लगाते हैं या कोई भी है, तो उससे पहले आपको ये बटरफ्लाई पोज जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपके जो पैर होते हैं वो काफी लचीले होते हैं और जिससे आप आसानी से कोई भी आसन लगा पाते हैं। इसके ये फायदे और भी फायदे हैं, जैसे अगर कोई महिला गर्भवती होती है तो उनको ये आसन करना चाहिए, वो उनको काफी लाभकारी आसन होता है प्रसव में, तो ये आसन करना चाहिए। और आसन को करने से बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, तो ये आसन के फायदे हुए। और जिसको नीज ज्यादा पेन होती है और या आपके अपर बॉडी ये कमर या ज्वाइंट्स में पेन होता है, ज्यादा पेन होता है, तो वो इस आसन को ना करें। इससे पहले कोई छोटे मूवमेंट्स कर ले, उसके बाद धीरे धीरे आसन को करें। तो हमने ये आसन आपको बता दिया है कि आपको कैसे करना है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो अब आप हम अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है ये तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपको उस प्रकार की वीडियो बना के आपको पोस्ट करेंगे, तो आप उसको देख सकते हैं और उस आसनों को कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारे जो वीडियोस हैं उनको शेयर जरूर करें। हरिओम।